Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो रिश्ता आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये उन हमारे दोस्तों के लिए है, मर्द हजरात के लिए है जिनकी उम्र जो है वो 50 साल तक हो या इससे कम हो। ज़्यादा प्रेफर जो है 45 साल तक की एज के जो लोग हैं उन्हें जो है किया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, आज का जो रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जो खातून हैं, हमारी बहन, इनका नाम है नादिया बीबी। इनकी उम्र जो है इस वक्त वो 43 बरस है, 43 ईयर्स, 43 साल उम्र है, और ये एक तलाक याफ्ता खातून हैं। नादिया बीबी जो है देखने में खूबसूरत हैं। इनकी जो हाइट है 5 फुट 3 इंच है। इसके अलावा एक बेटी और दो बेटे, यानी कि तीन बच्चे हैं। तीनों बच्चे जो हैं पहले शोहर के पास रहते हैं, इनके अपने जो है वालिद साहब के पास रहते हैं। नादिया बीबी जो है इस वक्त अपने वालदैन के साथ सुबह पंजाब का जो सिटी है बूरे वाला वहाँ पर रहती हैं। मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है, 5 बहन भाई हैं ये, जो कि तमाम शादीशुदा हैं। नादिया बीबी जो हैं इनकी जो है इनका जो नंबर है इनके बहन भाइयों में दूसरा है, दूसरे नंबर पर हैं। तो इनके जो वालिद साहब है मोहम्मद अशरफ साहब, उनका हमसे रब्ता हुआ था और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें। इनकी जो कास्ट है ये डोगर बरादरी से इनका ताल्लुक है। तो ये जो नादिया बीबी है इनकी जो तालीम है मैट्रिक है, यानी कि 10 जमात ये पास हैं। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो चाहते हों इनसे शादी करना, लड़के की उम्र जो है वो 45 से 50 साल तक हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, मुसलमान हो, इसके अलावा जात बरादरी कोई भी हो, तो वो अपनी तमाम तर तफसीलात वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे बराए मेहरबानी। अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी लाजमी लिख दिया करें, ताकि हमें आपसे रब्ता करने में आसानी रहे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियां लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।